गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। दिल्ली की सुबह में आप सभी का स्वागत है। और आज है हमारा डे टू, और आज मेरे को शॉपिंग करनी है। यहाँ पर डी कैथलॉन है ना, तो डी कैथलॉन से कुछ वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज़ लेने हैं, क्योंकि अगर हम बर्फ़ पे जा रहे हैं तो हमें ट्रैकिंग शूज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। क्योंकि भाई लास्ट टाइम मैं केदारनाथ गया था ना, जो नॉर्मल शूज़ हम पहन के गए थे वो फिसल भी रहे थे, और जब बर्फ घुस जाती है ना जूते में तो भाई पूरे सफ़र की जो है बैंड बच जाती है। इसलिए एक ट्रैकिंग शूज़ लेंगे, और डी कैथलॉन में सबसे बेस्ट ट्रैकिंग शूज़ मिलते हैं। वुडलैंड से मैंने पता किया था, भाई 6,000 से प्राइस था स्टार्टिंग, और कुछ खास नहीं था। तो डी कैथलॉन ये पास पे है, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर। आज शॉपिंग करेंगे डी कैथलॉन से, पोंचो वगैरह लेंगे, रेन कवर वगैरह लेंगे बैग के लिए, और रेन कोट लेंगे, पोंचो लेंगे, और कुछ शूज़ वगैरह लेना है। तो डी कैथलॉन से यहाँ शॉपिंग करते हैं, और गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये है देखो, ये क्यूट सा, क्या नाम है तुम्हारा, हैं? हेलो कर दो, हाय कर दो, हाय हाय कर दो, हाय हाय। ये देखो हाय कर रहा है, ये मेरा क्यूट सा भतीजा है ना। कितने जैसे क्यूटू क्यूटू हो गए, हो क्यूटू से हो गए भाई साहब। हाय कर दो, हाय ऐसे हाय करो, हाथ हिला के ऐसे कर दो, थम्स अप थम्स अप, ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, अच्छा हैंड शेक शेक हैंड, ये देखो वो। तो यहाँ मैं अपने भतीजे के साथ अपना वैष्णो देवी वाला व्लॉग देख रहा हूँ, और अपना व्लॉग छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं। ये देखो तो फाइनली थोड़ा सा दिल्ली एक्सप्लोर करते हैं। दिल्ली एक्सप्लोर तो नहीं करना, क्योंकि बहुत बड़ी दिल्ली है और अपनी जो ट्रिप है वो दूसरी है, लेकिन मुझे जाना है डी कैथलॉन। वैसे डी कैथलॉन लखनऊ में भी था, लेकिन वहाँ पर मतलब लखनऊ जाना, फिर वापस प्रयागराज जाना, फिर जाना आना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता। तो दिल्ली में जहाँ पे मेरा ये अपार्टमेंट है, यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर है डी कैथलॉन। तो मेट्रो पकड़ते हैं मयूर विहार एक्सटेंशन की, और अपने को जाना है नोएडा सेक्टर 18। तो हाँ चलो चलते हैं। ये है भैया मयूर विहार एक्सटेंशन, और यहाँ से मुझे मेट्रो लेनी है सेक्टर 18 की, और सेक्टर 18 पर ही है डी कैथलॉन। तो चलो मेट्रो पकड़ते हैं, बहुत टाइम के बाद दिल्ली के मेट्रो पकड़ने जा रहे हैं। वैसे मैं चाहता तो ऑटो से भी जा सकता था, 50-60 रुपए लगते, 60-70 रुपए, लेकिन यार दिल्ली आया, मेट्रो का एक्सपीरियंस नहीं किया, तो फिर क्या ही मतलब है, ऑटो तो हर जगह यूज़ करते हैं। तो अपने को सेक्टर 18 जाना है मयूर विहार एक्सटेंशन से, और मेट्रो की जो अपनी टिकट है वो मुझे पड़ी 20 रुपए की। बस नोएडा साइड जाने वाली मेट्रो अपने को पकड़नी है। इधर जो लेफ्ट साइड है एस्केलेटर से, जब आप लोग चढ़ोगे तो लेफ्ट साइड वाली जो मेट्रो है वो जा रही है द्वारका सेक्टर, अपने को जाना है नोएडा सेक्टर के। अच्छी खासी भीड़ थी यहाँ पे, और सिर्फ 3-4 मिनट लगा अपने को मयूर विहार एक्सटेंशन से यहाँ आने में। चलो पहले बाहर निकलते हैं, फिर देखते हैं। ये देखो कितनी प्यारी है, ये देखो छोटी सी, ये देखो भैया चौचक, अरे क्यूट क्यूट है यार। भाई जब मैं पहले नया नया था ना, तो बड़ा डर लगता था मेट्रो वगैरह करने में, कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन अभी एक्सपीरियंस हो गया है, काफ़ी जगह ट्रैवल कर लिया ना, तो ईजी लगता है अभी। पहले तो सब एकदम भूल भुलैया जैसा लगता था। तो डी कैथलॉन भैया ने बताया कि बस थोड़ा सा आगे ही है मेट्रो एग्जिट गेट से, जैसे आप निकलोगे यहाँ मैकडॉनल्ड्स भी मैं देख सकता हूँ। और ये बिल्डिंग भाई साहब कितनी प्यारी लग रही है, ओहो हो क्या बात है सब। गूगल मैप भी गजब पागल बनाता है, अपने को इधर आना है ना, ये उधर आ रहा है, दिमाग खराब कर दे साली, अभी 1 किलोमीटर चला दे। गूगल आंटी भाई कभी भरोसा मत करना, लोगों से भी पूछ लेना। सामने भाई, और उधर से आगे से बता रहा है, उधर से घूम के आने के लिए हद है। मॉल ऑफ इंडिया के अंदर में डी कैथलॉन का स्टोर है, अपने को उधर ही जाना है। डी कैथलॉन का अलग से भी स्टोर है, वो दूसरी जगह है। तो यही है भैया DLF मॉल ऑफ इंडिया। चलो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं डी कैथलॉन स्टोर पे, और ये 3rd फ्लोर पे था, मैं 1st फ्लोर समझा था। और यहाँ पे देखो, अपने को इधर ही जाना है पहाड़ों पे, तो पहाड़ों से जुड़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, सारे विंटर कलेक्शन मिल जाएंगे। तो चलो भैया डी कैथलॉन चलता है। ओह डी कैथलॉन,
देखो यहाँ पे दोस्तों, अगर आपको कैंपिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए टेंट्स वगैरह भी मिल जाएंगे और सारे एडवेंचर से रिलेटेड आइटम्स यहाँ पर मौजूद है। तो अपने को तलाश करना है जूता, वाटरप्रूफ शूज, तो चलो देखते हैं। ओके फाइनली दोस्तों, शॉपिंग हो चुकी है। अपन ने जूते लिए हैं 4 क्लास के, केचुआ के, थोड़े से महंगे पड़े हैं, 7,000 के हैं। मतलब इसमें MRP 8400 रुपये है, लेकिन अपने को 7,000 के पड़े हैं। लेकिन ये क्या है ना, ये फुल वाटरप्रूफ है, इसको आप ट्रैकिंग में और कभी भी यूज़ कर सकते हो। मतलब ये बहुत बेस्ट चीज़ है। घर चल के आपको दिखाते हैं। एक रेन कवर लिया है बैग के लिए और एक पोंचो लिया है, ये रेन कोट टाइप का होता है। मतलब बहुत सही चीज़ है ये। ये है पोंचो, पोंचो जैसे बारिश वरिश होती है ना पहाड़ों पे, स्नोफॉल वगैरह होता है तो उसके लिए होता है ये। कुछ होता नहीं है इसमें, लेकिन ये बारिश से बचाने के लिए बहुत सही चीज़ है। और रेन कवर है और जूते हैं, तो ये घर चल के दिखाते हैं आपको। तो फाइनली दोस्तों, फ्लैट से निकल चुके हैं और यहाँ से जा रहे हैं विधानसभा के पास में, जहाँ पर है मजनू का टीला। वहाँ पे कोई चर्च है, उसी के पास में ही अपनी वॉल्वो खड़ी है। बस से जाएंगे अपन मनाली। तो हाँ भैया आ चुके हैं वो अपने लिए, यहाँ से मयूर विहार एक्सटेंशन से विधानसभा के लिए ऑटो कर रहे हैं। तो देखते हैं ऑटो कितना क्या लेता है। मेट्रो से बहुत तामझाम हो जाएगा क्योंकि सामान ज़्यादा है ना, चढ़ना उतरना और भीड़ भाई साहब मेट्रो की देखकर तो अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है मेट्रो में जाने की। बाकी भाभी ने टिफ़िन वगैरह तैयार करके दे दिए और भैया यहाँ पे दिल्ली वाले अंदाज में ऑटो पकड़ रहे हैं, कैब ऑटो जो मिल जाए सस्ते में, जो चल दे। तो ऑटो वाले बता रहे हैं 450 रुपये, 16 किलोमीटर डिस्टेंस है, 450 रुपये। और अपन कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि 300-350 मैक्स टू मैक्स। ओला भी बता रहा है 350, तो अगर 300 तक में मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो ओला करेंगे। और दोस्तों अपन पहुंच चुके हैं निर्मल हृदय चर्च और यहीं से अपने को पिक करेंगे ट्रैवल एजेंसी वाले। तो दोस्तों जिस ट्रैवल कंपनी के थ्रू हम जा रहे हैं मनाली, उसका नाम है जस्ट ट्रैवल, JUST WRAVEL, और यहाँ पर निर्मल हृदय चर्च के पास में उनका पिकअप पॉइंट है। तो 6:30 बजे बस आएगी, मैं थोड़ा सा पहले आ गया क्योंकि टाइम का मैं बड़ा स्ट्रिक्ट आदमी हूँ, तो मैं 45 मिनट पहले आ चुका हूँ। तो यहाँ पे कहीं बैठेंगे और बस 6:30 बजे पहुँचेगी और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लोग इकट्ठा होंगे उस हिसाब से बस के चलने का समय निर्धारित होगा। तो हाँ देखते हैं कौन कौन ज्वाइन कर रहा है इस सफ़र में। मैं सोलो आया हूँ तो मैं किसी को नहीं जानता हूँ, तो देखते हैं ये सोलो ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसा रहता है मनाली का। तो मनाली, कसौल, GB सब जगह जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो पहला एक्सपीरियंस कहीं का भी ना सबसे बेस्ट होता है। तो चलो वेट करते हैं भाई। सफ़र से पहले ही एडवेंचर हो गया, मेरे मोबाइल का नेटवर्क चला गया था और मैं वेट कर रहा था मैसेज का कि कब बस आएगी कब बस आएगी, और फिर नेटवर्क आ ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने देखा कि नेटवर्क ही नहीं है, तो फिर मैं गया वो ऑटोमेटिक पूरा मैनुअल नेटवर्क सेलेक्ट किया। जब नेटवर्क आया ना तो मैसेज आया कि भाई 200-250 मीटर गाड़ी आगे खड़ी है और पूरी लोकेशन वगैरह भेजी गई थी। तो फाइनली बस के पास आ चुका हूँ, एडवेंचर सफ़र से पहले ही स्टार्ट हो गया। तो फाइनली ये है अपनी वॉल्वो और इससे अपन जा रहे हैं मनाली। तो हाँ, तो ये सफ़र होने वाला है 13 घंटे का। यहाँ से मनाली की दूरी है 573 किलोमीटर्स। तो सुबह ही पहुँचेंगे और बाकी बताते जाएंगे आपको जो भी हम लोग एक्सपीरियंस करते जाएंगे। फिलहाल तो एडवेंचर हो चुका है, नेटवर्क ही चला गया था भाई, और मैं 5:45 बजे आया था और सबसे लेट में बस पर पहुँचा। दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मनाली, जहां हमारा होटल है, होटल संध्या। अभी तो भाई बिल्कुल अंधेरा अंधेरा है तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, और अच्छी खासी ठंडी है। मतलब मैंने टी शर्ट डाली थी और जैकेट डाला था, मैंने सोचा कि भाई मनाली में क्या ही टेम्परेचर होगा। मैंने चेक किया टेम्परेचर ऑनलाइन तो 9 डिग्री बता रहा था और मिनिमम 6 डिग्री बता रहा था, तो मुझे लगा कि ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अच्छी खासी ठंडी है। अभी लग रहा है कि अच्छे से कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो फिलहाल ये अपनी जो है टेम्पो ट्रैवलर आ चुकी है, वहीं बगल में एक बस स्टैंड था, वहाँ पे बस वहाँ तक आई और उसके बाद वहाँ से टेम्पो ट्रैवलर आ चुकी है। ये अपना होटल है जो कि अभी दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत अंधेरा है। तो हाँ पहले सेटल डाउन होते हैं, कमरे पर चलते हैं, फिर थोड़ा सा उजाला हो जाए तो आपको दिखाते हैं मनाली के नज़ारे। और बाकी अपनी बस जो है चली थी 7:30 बजे और 6 बजे लाके उसने छोड़ा, तो अराउंड 11 घंटे लगे अपने को। तो अभी भैया
चेक इन में टाइम है 3 से 4 घंटे का, तो फ्रेश हो लेते हैं और ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ठंडी अच्छी खासी है तो अपने को चाय की तलब हो रही है। मनाली पहुंच चुके हैं फाइनली, और भाई ये वही जगह है जहां पर बहुत ख़तरनाक आपदा आई थी जून जुलाई में। तो दिखाते हैं आपदा के जो है वो आपदा का जो सीन हुआ था, कुछ उसके निशान अभी भी बाकी है। तो भैया मेरे पीछे जो आप देख रहे हो यही है अपना होटल, होटल संध्या, और फाइनली थोड़ा सा उजाला हुआ और नज़ारे आप देख सकते हो पीछे के। तो ये है कुछ मनाली के नज़ारे, वाह। अभी ठंडी काफ़ी है तो चाय की तलब हो रही है, चाय मिल जाए तो थोड़ी गर्मी आए, और यही रात के टाइम में ही गलन रहती है। नेट पे मैंने देखा था कि मिनिमम 6 डिग्री जाएगा, लेकिन अभी 2 डिग्री था कुछ देर पहले चेक किया था, और फिर जैसे जैसे सूरज देवता आते जाएंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। अभी थोड़ी गलन ज़्यादा है तो अभी चाय बस मिल जाए फिर मज़ा आएगा। और ये अपना होटल है और ये है कम्प्लीट नज़ारा आसपास का।